हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं शार्क और आज इस वीडियो में करने वाले क्लास 10th बिहार बोर्ड का नॉन हिंदी जो मैंने पढ़ाया था कर्मवीर, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को मिस मत करना। इस लेसन में जितना सारा ऑब्जेक्टिव बनता है इस कविता से, उसका मैं पूरा ऑब्जेक्टिव में कराने वाला हूं और इसका सब्जेक्टिव कराने वाला हूं। तो याद कीजिएगा कि कर्मवीर जो है वो कविता है और इसके लिखने वाले कामता हरिओत नाम का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, सबसे पहला सवाल यहां बोलता है, देखिए आप लोग एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आप लोग मेरे को बहुत सारे मैसेज करते हैं, बच्चे लोग सर मेरे पास मैसेज नहीं आता, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटा का बटन दबा के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, तभी तो आपके पास मैसेज आ पाएगा जब भी क्लास चलेगी तो, ठीक है। पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये आपको कविता से पूछा जा रहा है। कविता में एक लाइन दिया हुआ है कि कर्मवीर पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बोलते हैं, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते, जो वीर होते हैं जो कर्मवीर होते हैं वो भीड़ में क्या नहीं दिखाते, वीरता मर्दांगनी या कला कला चंचलता। तो वो कविता में दिया हुआ है कि जो वीर होते हैं वो जो है भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते हैं। ओके, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं, ये भी दिया हुआ कविता में कि कर्मवीर कांच को रतन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कांच को रतन बना देते हैं। तो कविता जब तक पढ़ोगे तो ये सवाल हल नहीं होगा, रटना नहीं बल्कि सवाल को पढ़ना है। हीरा किससे बनता है, रतन से बनता है, शीशा से बनता है, कार्बन से बनता है, पत्थर से बनता है, ठीक है ना। तो कविता में दिया हुआ कि हीरा जो है कर्मवीर हीरा से कार्बन से हीरा बनाते हैं। तो कार्बन यहां क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल बोलता है, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है ना, नदियां बहा देने की बात करता है, समुद्र या पसीना या आंसू। कवि जो है सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नदियां बहा देने की बात करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है। तो आपको ये सवाल पढ़ना है, पूरा का पूरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ कविता से कि जंगलों में भी महामंगल कौन मचा देता है। तो जंगलों में महामंगल जो वो कौन मचा रहा है, कर्मवीर जो है जंगलों में भी महामंगल मचा देता है। ओके, आगे सवाल होता है, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत प्रधान जो किस कविता से लिया गया, तो ये जो प्रधान है ये जो कर्मवीर से लिया गया, ठीक है ना। यानी कि कर्मवीर के बारे में बोला गया कि जो कर्मवीर होता है वो बहुत सारी तकलीफ बाधाएं आती है उसको देख के घबराता नहीं है, और अपने भोग भरोसे मतलब भोग भरोसे भोग के मतलब अपने किस्मत के भाग से अपने किस्मत के भाग किस्मत के भरोसे वो कभी नहीं रहते है ना, किस्मत के भरोसे कभी पछताते नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, कर्मवीर हो जाएगा। कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है, कौन सी कविता। ओके, कौन सी कविता करती है, तो कर्मवीर जो कविता है उसका हमारा राइट आंसर होगा। आगे, कवि हरिओत द्वारा पाठ्य पुस्तक की रचयिता कौन है, हरिओत जो लिखा है ये हरिओत जो है ना कामता प्रसाद सिंह हरिओत, ठीक है ना, हरिओत जो है चैप्टर का राइटर है। तो ये बोलता है हरिओत जो है वो पाठ्य पुस्तक की रचयिता कौन है, कौन सा लिखा है, तो कर्मवीर राइटर का नाम याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं, वे सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, है ना, याद कर लीजिएगा क्या बहा देते हैं, नदियां बहा देते हैं। तो ये सवाल था कि कर्मवीर जो है सड़कों को काट कर क्या बहा देते हैं, नदियां बहा देते हैं। तो दोहा जो है किस दोहा का रचनाकार कौन है, यानी कि दोहा के लिखने वाले कौन है, तो क्या हो जाएगा, हरिओत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, यानी कि देखते हैं ना कर्मवीर क्या करते हैं, चिलचिलाती धूप भी होता है तो चांदनी समझ के भी काम करते जाता है। काम पड़ने पर जो शेर का भी करे जो सामना, किसका सामना, शेर का। अब शेर का मतलब यहाँ पे कड़ा हार्ड वर्क हो गया, ठीक है ना, कड़ा काम हो गया। ओके, आगे सवाल है, कर्मवीर को लिखने वाले इनमें से कौन है, कर्मवीर के राइटर कौन है, कर्मवीर के लेखक कौन है, तो क्या जाएगा, हरिओत, ऑप्शन नंबर ए बी वाला। नेचे पर्वतों को काट कर बना देते हैं, क्या बनाते हैं, पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं, है ना, ये सब कहानी से कविता से दिया हुआ है, पर्वतों को काट कर कर्मवीर जो है सड़क बनाते हैं। उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा गया उज्ज्वल, तो आपकी किताब में जो अर्थ दिया हुआ ना, अर्थ और इसका मतलब शब्द और अर्थ दिया हुआ उसको याद कर लीजिएगा, एक दो बार देखिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। उज्ज्वल मतलब चमकीला होता है, बोलते ना आपका भविष्य उज्ज्वल हो,
चमकीला हो। रेगिस्तान में जल ढूंढना मुहावरा करके क्या होता है, देखो रेगिस्तान है, रेगिस्तानी इलाके में आपको जल्दी से पानी नहीं मिलेगा, और जल अगर ढूंढ लिए इसका मतलब आप लोहे के चने चबाना जैसा काम किए। यह मुहावरा यूज किया गया है, लोहे के चने चबाना। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे लोहे के चने चबाना, 9-2-11 होना, आंख दिखाना, खुशी मनाना, ये चारों मुहावरा का अर्थ नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो रेगिस्तान में जल ढूंढना मतलब क्या हुआ, लोहे के चने चबाना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन खत्म हो गया। अब इसका देखिए सब्जेक्टिव, करमवीर की पहचान क्या है, तो आपको पढ़ना, करमवीर विदर्भ बाधाओं से घबराते नहीं, विभाग के भरोसे नहीं रहते हैं, करमवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, चाहे जैसा सोचते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हैं। कौन करमवीर? करमवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, वे आलसाते भी नहीं है, करमवीर समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य कर दिखाते हैं, करमवीर कार्य करने में थकते नहीं, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं, उलझनों के बीच भी उत्साहित दिखते हैं। यानी कि कविता का जो मेन पार्ट है करमवीर की, कविता में जो करमवीर को जो 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 बातें जो जो लाइन करमवीर को उजागर करता है वो सभी बातें यहां पे लिखी है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, तो ये अपने एक सोच बन जाएगा, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्म निष्ठा बनेंगे, मतलब कर्म के प्रति हम निष्ठा रहेंगे, समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक साथ करेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे कर ही दम देंगे, आलस से कभी नहीं करेंगे, कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालेंगे। तो ये आपका सोच है, और ये अपना सोच जो है कविता से ही बनाना है। ओके, कविता से ही बनाना अपना सोच। आगे आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हो? ओ भाई साहब, कौन कौन कर्मवीर यहाँ पे बताना है। देखो हमें कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, मतलब अपना जो फर्ज है ना उसको एकदम पूरा करना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना होगा, तथा आलस्य को त्यागना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, तब हम कर्मवीर बन सकते हैं। मन वचन का कर्म और एक मन वचन और कर्म, मतलब मन को वचन को कर्म को एक साथ रहना होगा, उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार कर हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं, उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार कर, अच्छी जगह लिखा गया। तो हम ऊपर जो गुण बताए अगर ये सभी गुण अपने आप में उतार ले, यानी कि कर्म के प्रति निष्ठा रखें, समय को महत्व दें, आलसी नहीं बने, है ना, हर परिस्थितियों का सामना करेंगे, कड़ी से कड़ी परिस्थितियों का सामना करेंगे, है ना, कोई उलझन आए तो घबराएंगे नहीं, है ना, उलझन में हम उत्साहित होंगे, है ना, जो भी काम शुरू करें उसको पूरा कर देंगे, इस सभी बातों को लिखना ऐसा नहीं कि जो बात यहाँ पे लिखी बात, इसके अलावा भी और जो बातें कविता में वो भी आप लिख सकते हो, उम्मीद है कि आपको इस सवाल याद हो गया। तो देखो इसका जो सब्जेक्ट है ना, आप दो तीन बार पढ़ो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, कर्मवीर के बारे में बताना है और अपना मन से वो समझना है इसको, ठीक है ना, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कर्मवीर का जो है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव पूरा करवा दिया है। अब अगर आप इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हो, नोट लेना चाहते हो, तो आप 8210-4232 इस पर आपको 250 रुपये पे करना होगा, पे फॉर गूगल पे या तो पेटीएम जिससे भी, और आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, यानी कि पूरा चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, हिंदी उर्दू सारा पीडीएफ मिलने वाला है। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आएगा। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते, पैसा नहीं है आपके पास, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, और उस वेबसाइट को ओपन करो, वहां पे नॉन हिंदी के सेक्शन में जाना और वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे लगी ये सब भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ओके बाय।